गूंगी लड़की बनने के लिए तारा सुत्रिया ने की है खूब मेहनत। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री तारा सुतारिया को अपनी अगली फिल्म फिल्म मरजावा से ढेर सारी उम्मीदें हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने खूब सारी तैयारियां की है। जी हां, मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तारा ने एक गूंगी लड़की जोया का किरदार निभाया है और इस किरदार के लिए तारा ने महीनों तक जमकर तैयारी की। हाल ही में इस किरदार के बारे में तारा ने कहा कि फिल्म मरजावा का ये किरदार मेरे लिए एक ऐसी चुनौती था जिस पर खरा उतरने में ही मेरे अभिनय की मजबूती है। इस किरदार में सहज तरीके से ढलने के लिए मुझे लगा कि सबसे पहले साइन लैंग्वेज सीखना जरूरी है। इसके लिए मैंने इशारों में बातें करना सिखाने वाली प्रशिक्षिका संगीता गाला से पूरे 2 महीने की ट्रेनिंग ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म में तारा की जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बनाई गई है और रितेश देशमुख इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं हाल ही में तारा के किरदार के बारे में फिल्म मरजावा के निर्देशक मिलाप कहते हैं, जोया का किरदार तारा से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। मैं तारा से मोनिशा आडवाणी की पार्टी में मिला था, उस दौरान वह काफी मासूम और खूबसूरत दिख रही थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मरजावा में जोया के किरदार के लिए तारा बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। आप सभी जानते ही हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है जिसे फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।